देखिए, बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। बुधवार को सीडब्ल्यूजी के छठे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने दमदार खेल दिखाया और भारतीय वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह ने 109 किलोग्राम कैटेगरी में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। उन्होंने कुल 355 किलो भार उठाया। जूडो में तुलिका मान ने सिल्वर मेडल जीत लिया। उन्होंने 78 किलोग्राम भार वर्ग में ये मेडल अपने नाम कर लिया। वहीं देखिए, गुरदीप सिंह ने 109 किलो भार में ये कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। कुल मिलाकर उन्होंने 390 किलो भार उठाया। ये वेटलिफ्टिंग में ये भारत का 10वां मेडल है, हम आपको बता दें। और उधर भारतीय खिलाड़ी तेजस्विन शंकर ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। उन्होंने लॉन्ग जंप में भारत को ये कांस्य पदक दिलाया। और भारत की ओर से कॉमनवेल्थ में इस बार कुल 213 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। बर्मिंघम में रवाना होने से पहले ही सभी खिलाड़ी मेडल जीतने को लेकर के बेहद कॉन्फिडेंट नजर आए। खिलाड़ियों का आत्मविश्वास उनके खेल के दौरान दिखाई भी दे रहा है। वेट लिफ्टिंग हो, टेबल टेनिस हो, लॉन बॉल हो या फिर एथलेटिक्स के खेल, हर इवेंट में खिलाड़ियों ने हिंदुस्तान को मेडल वाली मुस्कान दी है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय खिलाड़ियों का डंका बज रहा है। हिंदुस्तान ने अब तक 18 मेडल जीत लिए हैं। टूर्नामेंट का छठवां दिन भारत के लिए काफी शानदार रहा। भारतीय टीम ने 5 मेडल हासिल किए। जूडो में तुलिका ने देश का मान बढ़ाया। जूडो प्लेयर तुलिका मान ने 78 किलोग्राम वेट कैटेगरी में भारत को सिल्वर दिलवाया है। तुलिका स्कॉटलैंड की सारा एनलिंगटन से मुकाबला कर हार गई, लेकिन इससे पहले उन्होंने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की सिडनी एंड्रूज और क्वार्टर फाइनल में मॉरिशस की ट्रेशी डरहोन को मात दी थी। स्क्वाश में सौरभ घोषाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर कमाल कर दिया। उन्होंने महिला और पुरुष को मिलाकर सिंगल्स इवेंट में किसी भी कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पहला पदक जीता है। सौरभ ने जेम्स विल्सट्रॉफ को 3-0 से हरा दिया। वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह और गुरदीप सिंह ने भी छठवें दिन ब्रॉन्ज जीता। लवप्रीत सिंह ने 109 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज पर कब्जा किया तो गुरदीप सिंह ने भी 109 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज जीतकर कमाल कर दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में भारत को पहला पदक मिला। तेजस्वी शंकर ने हाई जंप में कमाल का खेल दिखाया। ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 2.22 मीटर के जंप के साथ ब्रॉन्ज पर कब्जा किया। मेडल जीतने के बाद मुझे बस बेहद खुशी थी इस बात की कि मैं एक मेडल जीत पाया और एथलेटिक्स में हमारे भारत का खाता खोल पाया, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से हम ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे यही देख रहे थे कि हमारे बाकी जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं उनने अलग अलग इवेंट्स पे, खासकर वेट लिफ्टिंग में अलग इवेंट्स पे मेडल जीते और भारत का नाम रोशन किया। तो आज मेरे दिमाग में बस ये चल रहा था कि जो मुझे ये मौका मिला है, चाहे जैसे भी मिला हो लेकिन मौका मिला है, और उस मौके को मुझे उसका पूरा फ़ायदा उठाना है। और इसलिए आज मैंने जो किया वो एक तरीके से अच्छी बात है मेरे लिए, और चाहे मतलब मैं कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर पाया, मुझे बस उस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है। क्रिकेट में भारतीय महिला टीम ने भी शानदार जीत दर्ज कराई है। भारतीय महिला टीम ने बारबाडोस को 100 रन से हरा दिया। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 162 रन बनाए। जवाब में बारबाडोस की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर सिर्फ 62 रन ही बना पाई। इस जीत के साथ भारतीय महिला टीम सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही। बॉक्सर निखत जरीन ने भारत के लिए एक और पदक पक्का कर दिया है। उन्होंने 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। महिला बॉक्सिंग में नीतू सिंह सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, तो वहीं मोहम्मद हुसामुद्दीन ने भी बॉक्सिंग में एक मेडल पक्का कर लिया है। उन्होंने 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में नामीबिया के ट्राइगेन मॉगिन डेवेलो को 4-1 से हरा दिया। भारतीय टीम ने अब तक 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं। और अब भी देश को निखत जरीन, नीतू सिंह और मोहम्मद हुसामुद्दीन से काफी उम्मीदें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।